बाकी इस खूबसूरत मैच के आनंद के साथ साथ हमें टीवी मिल गई है, बढ़िया सी चाय। यहाँ देखो भाई दोस्तों, ये है प्यार भाइयों का। वाह, एक और ऐसा बहुत वो मैक्सिमम, तो काफी रोमांचक मैच अब यहां से। तो 6 बॉलों में 14 रन चाहिए, तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी हम निकल गए दोस्तों मेठड़ा की खूबसूरत गलियों से। वही दोस्तों, अब यहां से हमारी सवारी ट्रक में। छूट गया राहुल, छूट गया। चलो 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 चलो, पकड़ ले। एक बॉल और 4 रन, देखते हैं ये बॉल क्या करती है। अच्छा कमरा रन, ओ भाई, अरे भाई पहली बार था कि, अबे भाई अरे भाई क्या कटाई इस मैच में यार। हट भाई, तो चलो भाई दोस्तों, एक नया दिन शुरू हो चुका है और एक नए दिन के साथ करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव एरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो बना रहा हूं। तो अभी करीबन दोस्तों सुबह के ठीक 9:30 का टाइम हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों यहां से सीधा मैठणा गांव की तरफ, आज फिर से मैठणा टूर्नामेंट में। बाकी दोस्तों आज ना राकेश भाई का मैच है, इसी कारण दोस्तों हम जा रहे हैं। बाकी मेरे थोड़े बहुत काम है सतुखान मार्केट में, थोड़ा सामान वगैरह लेके आना है, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूं। बाकी मेन चीज तो यह है कि राकेश भाई का मैच है। बाकी यहां देखो भाई दोस्तों, कितनी मूंगफली दे रहा है ये बंदा मेरे को, और आज भाई का मैच तो क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर शतक, तो ये भी शतक वीर बनने वाले हैं आज। पर जो जो शतक का वादा करता है उसके सपने टूट जाते हैं, ये भी ध्यान रख, वादा मत कर। पहले भेज देंगे तो शतक, बाद में भेजेंगे तो और भेज। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही है, ठीक है। अच्छा बाकी यहाँ देखो भाई दोस्तों, एक नया रास्ता है पूरा का पूरा बनने वाला है और आज हम उद्घाटन करने वाले हैं इसका, यानी इस पे चलेंगे आज। ये रास्ता क्या है ना, तो ये स्कूल के लिए बना हुआ है, यानी बच्चों का जो स्कूल जाने वाला रास्ता था ना, वो पूरा का पूरा टूट गया था, तो अब जाके ये नया बना हुआ है। बाकी दोस्तों अभी तक अपने सौरभ भाई का वेट किया, तो सौरभ भाई भी पहुंच गए हैं। भाई की हालत खराब हो गई भाई, बड़ी कट नहीं। अभी सौरभ भाई का वेट किया, सौरभ भाई पहुंच गए 81 केजी पे। हाँ 81 ये बंदा ना इतना मोटा हो गया अब, इस बंदे को इतनी थकान लग रही है क्या ही बताऊं। एक वजन वाला वेट, तो वजन वाला वेट था इसका 70 किलो का। अच्छा 81 और बोल यार लोग की सजमान ने। और जो वैसा वेट किया वो कितने टाइम किया राकेश भाई? आधा घंटा पूरा का पूरा। तो ये मुझे छोड़ के आ गए थे ऊपर, इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इन्होंने वेट नहीं किया। अच्छा खुदा खुद भाग गए, खुदा खुद। अच्छा दोनों भाग गए थे। अच्छा फिर मैंने खूब सुनाया इनको, फिर रुके बड़ी मुश्किल से। अच्छा बस यही सच्चाई है। विनर कौन जीता? अच्छा ठीक है, देखो भाई दोस्तों ये है प्यार भाइयों का। वाह, अभी तक सौरभ भाई को थकान लगी थी, राकेश भाई अब कंधे में ही ले जा रहे हैं। यार राकेश भाई थोड़ा सा मुझे भी ले जाओ यार। खतरों में ना तो अब बारी बारी करो, अब सौरभ भाई की बारी। चलो सौरभ भाई ले जाओ, अभी थोड़ा थकान आ रही है, कंधे में चढ़ के। ठीक है कंधे में चढ़ के, कंधे में चढ़ के आ रही है बल। बाकी ना दोस्तों कल शाम को ना खेलते टाइम मेरे पैर पे चोट भी लग गई है, और मेरे पैर में ना अभी भयंकर वाला दर्द हो रहा है इस वाले पे। बाकी वो दोनों ठीक वहाँ पहुँच गए, मेरे से इतना तेज चला नहीं जा रहा, तो वो दोनों के दोनों भग गए भाई। बाकी मैं पीछे से लगा हुआ हूँ हौले हौले, और अभी पहुँच चुका हूँ दोस्तों ठीक भरोली गाँव के सामने। और ये रहा देखो भाई दोस्तों पूरा का पूरा भरोली गाँव, और कुछ यहाँ से इतना ही दिखता है। बाकी दोस्तों इस साइड को भी थोड़ा है और इस साइड को भी है, तो पेड़ों के चक्कर में दोस्तों ये गाँव भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। कि ये वाले काम ना दोस्तों बहुत अच्छे कर दिए हैं कि रास्तों में ना, यानी रोड के साइड ये बैठने के लिए बढ़िया से बना दिए गए हैं। तो चलो भाई दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं ठीक मैठणा में, और अभी पहला मैच तो होशियार वर्सेस भरपूर का पहला मैच और टॉस हो चुका है, और किसके पक्ष में उछला है वो तो अभी नहीं पता, पर कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तो अभी दोस्तों सिक्का जो उछला ना तो भरपूर के पक्ष में गिरा है, और पूर की आगे है दोस्तों बैटिंग और श्यार वाले की आगे है फील्डिंग, तो श्यार वाले अभी फील्डिंग लगाएंगे अपनी। और आज का रोमांचक मुकाबला
आपको दिखाएंगे आज का आंखों देखा हाल। स्टाइलिंग है राकेश नॉन स्टाइल पे मंजीत चले गेंदबाज परमवीर डेट ऑफ द विकेट बल्लेबाज तैयार और खेल रहे इसको बिल्कुल तलसरी दिशा में वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद अनुशासित दोनों टीमें यहां पे मौजूद चले गेंदबाज मंजीत को शॉर्ट पिच गेंद थी और इसको बिल्कुल अंजाम दिया सीधा स्क्वायर लेग दिशा में सीधा सीमा रेखा के बाहर छह रन के लिए हमेशा साथ देते आए हैं और फिर इसे खेल दिया लॉन्ग मंच क्षेत्र में और इसी के बीच खतरे का गुग्गू बसता हुआ परमवीर तो सफल गेंदबाज है पहले ओवर में अपने एक बहुत बड़ा विकेट भोजपुर के खाते से उन्होंने लड़गाया जैसे हल्का सा पुस्कर देश गोपाल सिंह लेफ्ट हैंड बिना मंजिल की जगह लिए बिना छोटे कट के जरूर है लेकिन कारनामे बड़े करते हैं और चले गेंदबाज विकेट राकेश को और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के काफी करीब अच्छी शुरुआत गेंदबाज के द्वारा अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके आए है और हल्का सा यहाँ पे कुछ घटा और बिल्कुल निश्चित हमें भी यहाँ तक आवाज आई उसी गेंद की और भारी किनारा लेते हुए दूसरा झटका लगता हुआ राकेश के रूप में बदले गेंदबाज डेट ऑन ओवर द विकेट बल्लेबाज संजीत और प्योर का लेंथ गेंद द्वारा अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके आए सुमित डेट ऑन ओवर द विकेट और बिल्कुल इसे खेल दिया इसको दिशा में सीधा बोर्ड ले बाकी इस खूबसूरत मैच के आनंद के साथ साथ हमें टीवी मिल गई है बढ़िया सी चाय। बैटी फेंक दिया इस बंदे ने तो यहाँ और मुझे नजर का पैसा नौ बॉल फुटो जरूरत और बल्लेबाज के हाथों से बल्ला चोटा हुआ तो यूट्यूबर प्रवीण की रावल के पास बिल्कुल उन्हीं की टू कॉपी करते हैं जैसे प्रवीण रावल के बल्ले हाथ से बल्ला चोटा था पिछली बार मैं दबा डी की ओर से तो परवीन रावत सभा होता हुआ 28 रन मैक्सिमम सीधा दिशा बच नहीं पाओगे चले गेंदबाज रहता हुआ विकेट फिर से खेल देखो पॉइंट दिशा कवर गति पे राकेश द्वारा चले तल्ला की ओर से चले गेंदबाज और बल्लेबाज से खेल जाए बिल्कुल ऑन साइड दिशा में वहां पे क्षेत्र साहब मौजूद मात्र ये नवाज रे साहब स्टाइल तो दिलमानी से मेरा पता चाह रहे स्टाइल तो जेलमानी चाहिए 56 रन क्रीज पे चले गेंदबाज और सेफ शॉट जरूर खेलना चाहते थे चले गेंदबाज दैट आम ओवर द विकेट और फिर से खेल रहे बिल्कुल मेरी विकेट क्षेत्र दिशा में सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास और जब तक गेंद ना कुछ जरूर हुए चले और अच्छी गेंद फिर से शॉट गेंद और खेल रहे इसमें बिल्कुल मेरी विकेट क्षेत्र में और जब तक क्षेत्र से गेंद तक पहुंचता दोनों बल्लेबाज एक रन से सत्तर फिर मुकाबला होगा भाई साहब अभी रोमांचक मैच अब यहां से तो 6 बॉलों में 14 रन चाहिए तो मजा आएगा देखते हैं क्या होता है विकेट पर आई तो गेंदबाज और अच्छी गेंद सरदीप सोनू द्वारा बॉल बिल्कुल तो दिल की धड़कन पकड़ ले एक बॉल और 4 रन देखते हैं ये बॉल क्या करती है अच्छा कमरा इसी बीच ओ भाई अरे भाई वेली बार साकी अबे भाई ओ भाई क्या कटाई इस मैच में यार हट भाई पर जीत गए वाले चलो बढ़िया है
एक रन से जीत गए भाई। तो प्रभु ने यहाँ पे जीत भाई। संजीत से क्या हो तो संजीत भाई जीत की खुशी में लेट गए भाई। मैना था मैच तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश ब्रो। उल्टा लगा तो घुमा देना उन्हें करता पता भाई ये शॉर्ट चिटनी हां तो वे तो घुमा देनी ना कनी नहीं हां तो चल कॉन्ग्रेचुलेशन मैच जीत गए तो एक और मैच। चलो भाई दोस्तों भरपूर तो जीत गए। राकेश भाई की टीम आज फिर जीत गई भाई और राकेश भाई के साथ फिर मोए मोए हो गया फिर नहीं चला आज। नमस्ते राकेश भाई क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ बॉलिंग में राकेश भाई ने विकेट वगैरह लिए। चलो बढ़िया है। अभी हम निकल गए दोस्तों मेठड़ा की खूबसूरत गलियों से तो सीधा यहाँ से बेदीखाल की तरफ। और बेदीखाल जाने का रीजन ये है कि थोड़ा बहुत काम है हमारा, बाल वगैरह भी कटवाने तो थोड़ा एक दो और काम है तो वो निपटाने इसलिए हम यहाँ से आ गए। बाकी अभी मैच चलेगा दोस्तों कसणी का और देवकुंडे का, यानी हाई वोल्टेज मैच है वैसे तो। बाकी अभी तो हम काम से निकल रहे हैं, नहीं तो आपको वो मैच भी दिखाता। चलो भाई दोस्तों अभी बेदीखाल मार्केट में पहुंच गए हैं और बाल वगैरह भी देखो मैंने मस्त कटिंग वगैरह करा दी। बाकी यहाँ देखो भाई दोस्तों जो ये वाला गेट क्या है ना, ये वाला गेट भी दोस्तों दोबारा से नया से बन रहा है और पूरी रिपेयरिंग इसकी हुई। बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से भी क्योंकि दोस्त की स्कूटी लेके आया था ऊपर और उसको वापस भी देनी है अभी क्योंकि बैजोर की तरफ निकल रहा है तो जल्दी से निकलते हैं। भाई दोस्तों अब यहाँ से हमारी सवारी ट्रक में। ओ छूट गया छूट गया राहुल छूट गया। चलो 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 ये देखिए भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथों में और मेरे एक हाथ में अपना फोन और एक हाथ में राहुल का फोन। तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी तो पहले फोन मार दूंगा। तो भाई दोस्तों यहाँ देखो भाई आज खतरनाक सीन होने वाला है। यहाँ देखो ये राशन की गाड़ी आ गई। राकेश भाई तो बैठ गया देखो यहाँ। बाकी राशन की गाड़ी है तो दिक्कत तो होगी। बाकी दूर देखो कितना उड़ रहा है भाई। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों ट्रक में बैठ के ना ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं किस वाली ढैया में चढ़ गए हम भाई साहब। और हिल इतना रहा है ना हालत खराब हो रही है यहाँ बैठने में ही। ये देखो भाई और ये कुत्ते है हट जा ये हटड़ू भी नहीं अब हटड़ू मैं। तो राकेश भाई की मस्ती यहाँ भी खत्म नहीं हो रही है भाई, यहाँ भी मस्ती कर रहा है और इसको देखो यार चावल खा रहा है पीछे। तो चलो भाई दोस्तों अभी हम पहुंच गए ठीक अपने गांव में। और यहाँ देखो भाई दोस्तों आज हमारे गांव में ना बड़ा वाला ट्रक भी आ रखा है तो ये राशन का ट्रक था तो इसी में हम आए। बाकी अभी राशन उतारी जा रही है और अरब सिंह यहाँ पे बड़े से नारंगी खा रहा है। राकेश भाई यहाँ पे भूत बन गया भाई साहब डुट्याल बन गए हम पीछे। सही बात है हमसे बड़ा हालत है जो बंदा वाल कट्ठे फेंक रहा है ना वो वही बंदा हमसे अच्छा हो रखा है। और यहाँ देखो भाई दोस्तों मिली हमारे रजत भाई जी से। कितने स्मार्ट लग रहे हो यार आज आप। क्या बात है क्या बात है। हमारी भाभी जी ने बोला था रजत भाई को तो रजत तो रजत भाई जी को हमारी भाभी जी ने कहा कि थोड़ा दाढ़ी वाड़ी कटा दो तो देखो बिल्कुल क्या स्मार्ट लग रहे हो यार चमक मार रहे हो आज तो आप। नहीं यार आज तो चमक मार रहे हो यार। चलो भाई दोस्तों अभी सीधा आ गए हैं अपने गोड़ा वाले फील्ड में। बाकी यहाँ देखो भाई दोस्तों अभी सूर्यदेव ठीक यहाँ पे है और ये है अपना ग्राउंड जो कि मैं आपको डेली ही दिखाता हूँ। बाकी यहाँ देखो भाई दोस्तों अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे ना तो इधर देखा होगा आपने कितनी ज्यादा झाड़ियाँ वगैरह हो रखी थी सारी देखो हमने साफ कर दी। तो अब बढ़िया मैच चलते हैं। लौंडे भी घर आ गए कुछ और कुछ अभी आएंगे तो उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। यहाँ देखो भाई कितने लॉन्ग लॉन्ग हिट मार रहे हैं भाई ये बंदे। मैच में नहीं मारेंगे जब हमें ज़रूरत होती है तब नहीं मारते। यहाँ सब सीर है भाई। चलो भाई दोस्तों जैसे क्रिकेट खेल के घर पहुंचे ना तो कहाँ आ गए सीधा राकेश भाई के घर में। और यहाँ देखो भाई दोस्तों हमारे लिए चौमिन भी आ गई है जबरदस्ती खींच के लाए। आ नहीं रहा था इसको बड़ा तेल में ही खिलाएंगे मिठाई देंगे चाय देंगे तब जाके वो भी खींच के लाए। तो यार इस टाइम कौन आता है यार भाई कल जा रहा हूँ ना। कल नहीं जा रहा तू भाई कल इसका मैच है दोस्तों फिर से इसके साथ मैच में जाना पड़ेगा यार आज फिर जीते। तो चलो कोई नहीं चौमिन का आनंद लेते हैं फिलहाल। और ये देखो गाइस तो भाई यार मेरे लिए भी तो बचा देते कुछ। हाँ ये देखो खाका के पसीना आ गया देखो कितनी जल्दी खाए उन्होंने मेरे लिए नहीं बचाया। और बाकी ना दोस्तों देखो प्लेट भरी हुई है यहाँ खाली हो गई। बाकी ना दोस्तों हमारे भाई जी ने बनाए थे चौमिन सैफ साहब ने। तो कैसे लगी बढ़िया कैसे लगी मजा कैसे लगे रे मजा आ गया।
तो ये देखिए भाई दोस्तों, फौजी भाई भी बिल्कुल हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं वीडियो कॉल में वीडियो कॉल में बने हुए हैं निरंतर। और इनको भी गांव की बहुत ज्यादा याद आ रही है, पर इनका भी नेट बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा।